जी जूलिया जी, क्या हाल है आप? हाय हाय मैलिच, हाउ आर यू? कॉन्टेक्स्ट जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है कि एवरी मैन शुड हैव फोर वुमेन इन द इन हिज लाइफ, इट विल मेक हिम अ बेटर पर्सन, यू अग्री? क्या, सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा। हर हर आदमी को चार औरतें होनी चाहिए जिंदगी में, तो उससे वो बेहतर इंसान बनता है। चार औरतें एट अ टाइम, हाँ चार वाइफ, नहीं, या चार औरतें, मदर मदर सिस्टर मदर सिस्टर डॉटर, डॉट डॉटर, तो सिस्टर। उसको रिलेशनशिप की ये होती है वैल्यू, यू नो, यू यू रियलाइज एंड व्हाट नॉट। हाँ दूसरा दूसरा ये एक वो कुरान में एक और आयत है कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो और गधा, कुत्ता और औरत अगर पास हो जाती है तो वो जाया हो जाती है, ऐसे कुछ हदीस में है या कुरान में है, तो उधर भी उधर डिह्यूमनाइज किया हुआ है। पता नहीं क्या नफरत है इनको कुत्तों से भी यार। कुत्ता इतना अच्छा इंसान कहने वाली थी, कुत्ता इतना अच्छा जानवर है, उसको पता नहीं क्यों इतना गंदा इन लोगों ने हराम करा दिया है। मेरी मम्मी बताती हैं कि हमारे गांव में मेरे कोई एक चाचा थे, वो अब मुझे तो याद नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा ना कि गांव वाले वो लोग इतने यानी मुसलमान नहीं थे कट्टर, मगर वो बाकी हर इस्लाम की हर चीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो जब वो कह रही थी कि जब नमाज पढ़ते थे उनके पास तीन चार कुत्ते हुआ करते थे, और वो कुत्ते उनके इर्द गिर्द बैठे होते थे उस वक्त, और ही यूज टू डू नमाज। और वहां गांव देहातों में तो वो होता है ना, एक कमरा है उसी में एसी है, तो वो कमरे में बैठता था वो बंदा, और उसके सिर्फ कुत्ते बैठते थे एसी के कमरे में, लोग नहीं बैठते थे। तो यानी आपको डिफरेंट किस्म का इंसान दिखता है, यू नो। और वो बंदा अपनी बीवियों को मारता था, कुत्तों को नहीं मारता था। Do you understand? यानी मेरे बाप को भी जानवरों का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था उसको, वो जानवरों को नहीं मारता था वो। तो इट्स जस्ट मेरे समझ में नहीं आता कि इनकी साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, ये औरत को यानी जानवर से भी बदतर समझते हैं। लाइक व्हाट डू दे थिंक ऑफ अस? नहीं, इधर यूएस में तो देयर इज अ लॉ ऑन बुक, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, इफ यू बीट द एनिमल्स उसका यू कैन यू गेट प्रोसिक्यूटेड, तुमको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हाँ सेम ही है यहाँ पे भी, आप नहीं उठा सकते इस तरीके से हाथ। अरे वो याद नहीं है कौन सा वो था यार, स्पोर्ट्स प्लेयर जो था जिसने पिपल्स की लड़ाइयाँ कराई थी, कुत्ते की लड़ाइयाँ करवाई थी, एंड देन ही वाज कॉट, पिपल्स की फाइट करवाई थी और हाँ, उसको वो पकड़ा गया फुटबॉल था। प्लेयर भी, वो क्वार्टरबैक था एटलांटा फाल्कन्स का, मैं नाम भूल गया उसका, क्वार्टरबैक था, हाँ मुझे ही याद नहीं मेड अ आ बिग उसका लॉस इन नाम। हिज करियर। या राइट, हाँ नीचे अभी बताना मुझको, नीचे किसी को याद है उसने ये की थी, तो देखो उसका करियर कैसा गया। और यहाँ पे भाई इन चीजों को सीरियस लिया जाता है। अच्छा कुछ और चीज बोलनी है आपने जूलिया जी? मैं आगे जल्दी जल्दी साथ बढ़ इट्स रही हूँ। ओके, यू कैन, नाइस टॉकिंग, चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।